यूपी के सीतापुर में आदमखोर कुत्तों से हो रही मासूम बच्चों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर का दौरा किया। करीब 12:30 बजे योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर सीतापुर की पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उतरा। इस दौरान प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए। हेलीपैड पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदमखोर कुत्ते के शिकार हुए मासूम बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल में कुत्तों के हमले में शिकार हुए मासूम बच्चों का हाल जाना। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ खैराबाद इलाके की गुरुपलिया गांव का दौरा किया और मृतक मासूम बच्चों के परिजनों से मिले। सीएम ने आदमखोर कुत्तों के हमले में मृत बच्चों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 2-2 लाख रुपए व घायल मासूम बच्चों के परिजनों को 25-25 हजार की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसके बाद सीएम गुरुपलिया गाँव से सीधे पुलिस लाइन के सभा सागर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर हालात का जायजा लिया और कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, जनपद सीतापुर में माह नवंबर से लेकर मई के बीच में यहां पर खुखार कुत्तों के कारण 12 मासूम बच्चों की मौतें हुई हैं और 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। जिला प्रशासन ने उसके लिए पहले से ही अपनी कार्रवाई प्रारंभ की थी। बीच में मैंने यहाँ स्वयं प्रभारी मंत्री को भेजा था। बरेली, मथुरा, लखनऊ वे अलग अलग जगहों से यहाँ टीमें भी आई थी। पूरे क्षेत्र का उन्होंने सर्वे किया। मैं स्वयं भी आज एक गांव गया, जहाँ पर 2 बच्चों के ऊपर कुत्तों ने हमला करके उन्हें मार डाला था। साथ ही उनके परिवार वालों से भी मिला तथा शेष जो 10 परिवार थे, जिनके एक एक परिवार के बच्चों की मौत कुत्तों के हमले से हुई थी, उनके परिजनों से भी मैं यहाँ पर मिला। जिला अस्पताल में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, उनको भी मैं यहाँ देखने के लिए गया था। इसके अलावा और जो बच्चे हैं उनको मैंने देखा और इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ये जो कुत्ते हैं एकदम फालतू तो नहीं, लेकिन खुखार हैं। अकेले में जब मासूम बच्चों को देख रहे हैं तो उन पर हमला हो रहा है। अब तक जो भी निष्कर्ष आए हैं उनसे ये निष्कर्ष निकला है, इसके खिलाफ एक अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। खास तौर पर जागरूकता का एक अभियान यहाँ पर सभी प्रभावित गांवों में। सदर तहसील के खैराबाद विकास खंड के 22 गांव इससे प्रभावित हैं। उन गाँव में प्रत्येक गाँव में सुरक्षा समिति गठित करने की जरूरत है।